सवाल नहीं है आप लोगों का? कुछ क्वेश्चन हम ले लें आप लोगों से? पक्का? तो सबसे पहले भाई हकदार है, उन्होंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर किए। भाई आप ले लीजिए। हम्द के माना क्या होता है बताएं? तारीफ और शुक्र। अंकल लवा दे दिए। खड़ा नहीं होना, ठीक है, बैठ के बताना है, ठीक है। अच्छा एक बात, दीन का माना क्या होता है? नहीं, सूरह फातिहा में जो दीन का लफ्ज़ है उसका माना क्या होगा? नहीं, नहीं, उसका मतलब तो नहीं हुआ। दीन का मतलब इंसाफ होता है, अदल होता है। मालिक यौम दीन, अल्लाह अदल के वक्त का यानी इंसाफ के दिन का मालिक है। और यौम का मतलब वक्त होता है, और मालिक यौम का मतलब होता है कि वक्त का मालिक। वक्त का रब यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, बात समझिएगा, या मालिक का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, ठीक है ना? तो अच्छा, अंकल ने जवाब दिया था उनके चॉकलेट खेल से। नफ्स के कितने टाइप्स हैं बताएं? कौन कौन? टाइम का तीन टाइप तो सही है। हाँ अच्छा अच्छा कोई नहीं बताएगा तो मैं आगे बताएंगे। कौन सा है? तो बताएं, मेरा भी बताएं। लफ्से लगवा, तो आप तो नहीं लीजिएगा चॉकलेट, आप ऑर्गेनाइजर में से। तो नफ्से अमारा का क्या काम है? नफ्से अमारा, बोलिए बोलिए। नहीं, नफ्से अमारा इवल नफ्स होता है। इवल नफ्स, इवल नफ्स यानी ऐसा नफ्स जो बुराई पे उकसाता है। आप ये काम कर लो, आप वो काम कर लो। कुरान में कहा ना, इन नफ्स अमारा बिस्सुई, कि बेशक नफ्स अमारा बहुत बुरी शय है, तो ये बुराई पे उकसाता है। और नफ्स लवामा जो है वो मलामत करता है, यानी आप जब बुरा काम कर लोगे तो अरे यार ये नहीं करना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई। ये नफ्स लवामा का काम है। हाँ ये, हाँ। और नफ्स मुतमईना क्या है? हाँ, जैसे आप लोग किसी की मदद करते हो, किसी की हेल्प करते हो, है ना, तो आपको सुकून होता है ना अंदर से, वो नफ्स मुतमईना होता है। तो आप लोगों ने करना ये है कि नफ्स मुतमईना को जितने काम होते हैं वो काम करना है, और नफ्स लवामा जिससे अच्छा मोटिवेट होता है वो काम करना है। जब ये दो काम कर लोगे ना तो नफ्स हमारा ख़त्म हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जहाँ नफ्स हमारा के चक्कर में पड़ गए तो ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे। समझ में आ गई चीज़ें? अच्छा अब आप जवाब नहीं दीजिएगा, भाई लोगों को जवाब देना चाहिए, ठीक है। तौहीद की कितनी किस्में? कौन कौन? अच्छा ज़बीहुल्लाह किसका लकब है? ज़बीहुल्लाह, हाँ नहीं, खलीलुल्लाह किसका लकब है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हाँ। और ज़बीहुल्लाह किसका लकब है? नहीं, इस्माइल अलैहिस्सलाम का। ज़बीहुल्लाह का मतलब होता है कि अल्लाह के राह में ज़बह होने वाला, कुर्बान होने वाला। तो किसका लकब हुआ? इस्माइल अलैहिस्सलाम का हुआ, ठीक है। इंशाल्लाह इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह जज़ाकअल्लाह खैर। सुभानकअल्लाहुम्मा बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।